तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नई वीडियो में। तो अगर आपने मेरे पिछले एक दो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी का एक टायर खराब हो गया था और उसको मैं बदलवा चुका हूँ, और जो मेरा पुराना स्क्रैप टायर था मैं उसको लेकर के आ गया था, और आज मैं उसका करने वाला हूँ DIY। एक बढ़िया सा सिटिंग स्टूल हम बनाएंगे, या फिर मतलब मल्टीपर्पज स्टूल बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो यूट्यूब पे तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, उन्हीं से सब कुछ मिला जुला करके अपन कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि घर में अपना काम चल ही रहा है थोड़ा सा कारपेंटर का, तो ये रहा अपना टायर और इसी पे अपन आज कुछ काम करेंगे। और मैं अभी गया मार्केट से ये स्क्रैप एक प्लाई थोड़ी सी ले आया, ये 2x4 की प्लाई है, लगभग मुझको ये पड़ गई 450 रुपये में, तो 450 की प्लाई ले आया। तो मैं प्लाई वाला इस पर मैं सिटिंग स्पेस जो है वो अपन बनाएंगे, क्योंकि इसमें वजन भी काफ़ी है, 12 mm की प्लाई है। तो चलिए फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अलावा अपन मारेंगे इस पर पेंट, तो इसमें पेंट मारने के लिए मैं 2 स्प्रे पेंट ले आया हूँ। मैं ऐसे रैंडमली ले आया, भाई पता नहीं चढ़ेगा या कैसा चढ़ेगा, तो ये 2 मतलब कि येल्लो और ब्लू कलर का पेंट ले आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इस पर अपन मारते हैं येल्लो। तो अब ये है हमारा टायर, और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको हम करेंगे फुल वॉश, ताकि जितनी भी धूल है हम उसको साफ कर ले, ताकि हमारा जो पेंट है वो इस पर बढ़िया से चढ़े। सो हम इसको अच्छे से एक बार कर लेते हैं साफ। तो मैं इसकी पूरी कॉस्टिंग भी आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या कितने का क्या क्या पड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना ये टायर जो मेरे को पड़ा है फ्री में, क्या मतलब मेरा इधर ख़राब हो गया, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, समझ लो वेस्ट हो जाता है, ये मैं उठा लाया। उसके बाद में जो अगली चीज़ लाया वो मैं लाया स्प्रे पेंट। तो एक स्प्रे पेंट की ये बोतल मेरे को पड़ी है, ये 150 की पड़ी है, क्यूब करके है, और 2 बोतल फिलहाल मैं लेकर के आया हूँ, एक ब्लू और येल्लो। फिलहाल मैं येल्लो मारने वाला हूँ, कम पड़ेगा तो फिर अपन कुछ सोचेंगे, फिलहाल भी येल्लो ही मारेंगे, देखते येल्लो में पूरा हो पाता है कि नहीं। जो तीसरी चीज़ मैं लेके आया वो प्लाई जो मैंने आपको बता दी, तो लगभग 2 फीट चौड़ाई है इसकी, तो उस हिसाब से 2x4 की मैं एक ही प्लाई ले आया आगे और पीछे के लिए, तो वो पड़ी मुझे 450 की। तो ये टायर अपन ने चमका दिया है, धूप बढ़िया हो रखी है, और अभी ये थोड़ी देर में सूख जाएगा, तो इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं और फिर मारेंगे पेंट। तो चलिए, हाँ अगर टायर सूख गया है, और अपन ने यह किया नीचे पेपर वेपर बिछा दिया मैंने, ताकि ज़्यादा गंदगी ना हो, और इसीलिए मैं छत पे आ गया, होगी भी तो फॉर्नर में थोड़ी बहुत होगी। तो इसको मारना कैसे है, इसको बढ़िया से शेक कर लेना है। पहले अपन पहला गोट मार रहे हैं, 1 फिट की गोली लिया है इससे मारना है, और धीरे धीरे अपन इवनली स्प्रे करेंगे, देखते हैं कैसा निकल करके आता है। कच्ची डोरियों 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 से मैंने तो बांध ले। तो मैं इसको थोड़ा कहीं डार्क करने वाला हूँ, कहीं हल्का करने वाला हूँ, ताकि येल्लो के साथ जो ब्लैक है वो बड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़े से येल्लो ब्लैक के फैशन पैकेज दिखेंगे ब्लैक के, तो वो खराब नहीं लगेगा, वो अच्छा लगेगा। जिंदा ये हुआ था, नजर जो आया था। मुझे लग रहा है इसे अब खत्म है, सेकंड स्टूल के लिए इतना बचा नहीं है, और मेरे को स्टूल के लिए भी चाहिए था, तो एक और लग जाएगा, एक और लेके आता हूँ। या तो मुझे मानने नहीं आया, या इसमें क्वांटिटी कम होती है, आई डोंट नो, पहली बार कर रहा हूँ। बट अब इसको थोड़ा सूखने देते हैं, देखते हैं कैसा है। पास भी शॉप है, तब तक मैं इसका एक और लेकर के आता हूँ, तो मिलते हैं इसके सूखने के बाद। तो जब तक ये सूख रहा था, सूखने ज़्यादा टाइम लगा नहीं, इधर मैं एक और जा कर के ले आया और सेकेंड कोट, और इसको मैं बहुत लाइट मारूँगा, बहुत डार्क नहीं करना है मुझे, एकदम येल्लो येल्लो सा हो जाए ये। सेकेंड कोट के बाद ये काफ़ी डार्क होना स्टार्ट हो गया है, और मैं बहुत लाइट सेकंड कोट मार रहा हूँ, बहुत हाँ नहीं। ये सेकंड कोट के बाद अभी कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, अब देखो बढ़िया से एकदम मेरा टायर येल्लो येल्लो डर्टी फेल्लो हो गया है। चलिए उसको अपन फाइनली सूखने देते हैं, और बाकी इसके आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। अपन प्लाई लेकर के आए हैं, तो प्लाई को उसके साइज़ का अपन कटवाते हैं, जब ये सूख जाएगा उसको नीचे लेकर के जाएंगे, फिर प्लाई को उसको कटवाएंगे, और फिर आगे आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आ गया हूँ अपने आगे के सामान के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, तो जो अपने बैठने वाली शीट है उसके ऊपर मैं फोम लगाऊंगा, एक बढ़िया सा सोफे का कपड़ा, तो उसके लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एक यूनिक ट्रेडर्स करके है गोरखपुर में ही, तो चलिए अब अंदर से अपन लेते हैं फोम और सोफे का कपड़ा। तो फाइनली कुछ और सामान मैं मार्केट जाकर के लिए आया, सबसे पहले अपन ये फोम ले आया, जब मैं आपको शॉप दिखाई थी, तो वहाँ पे इस फोम का मुझे ठीक ठाक पैसा देना हुआ, तो लगभग मुझे लगता है कि फोम मुझे पड़ा है 400 रुपये का। और ये मैंने 2x2 का कपड़ा बना था, तो मैंने उनसे कहा कि जो नॉर्मल रेट से कपड़ा देता ना महंगा पड़ रहा था, लगभग 300-400 रुपये था। मैंने कहा कि भैया कोई गटपीस होगा जो आपकी थान खत्म हो गई उसे निकाल करके दे दो, तो उन्होंने उसमें से निकाल के मेरे को दे दिया, तो ये भी अपने को लगभग 125 रुपये का पड़ गया था। ये बढ़िया एकदम कपड़ा, मैंने तो पूछा कि आप बेचते थे कितने रुपये मीटर बेचते थे, तो 500 रुपये मीटर का नहीं कपड़ा बेचा है, 500 सवा 500। तो उसने कहा कि कुछ गटपीस बचा हुआ था,
वीक दे दिया तो इससे मेरा काम हो जाए ना। फिर उसके बाद अपने स्टाइल की हाइट बढ़ाने के लिए मैंने ये ले लिया, तो ये मैंने 3 ले लिया ऐसे, तो ये अपने बड़ा 21-15 रुपये का ज़्यादा नहीं। और फिर इसके अलावा हमने ले लिए ये स्क्रू इसको लगाने के लिए बैक के लिए, ये भी 15-20 रुपये में मिलता है। आप चाहो तो ये और सस्ता पड़ सकता था, अगर आप किसी फर्नीचर की शॉप पे चले जाओ आप, उनके पास ऐसे कई सारे शॉप पीस होंगे, वो टाइम लगता है उसका टाइम सारी, तो इस वजह से ये मैंने फ्रेश लिया। अगर भाई आप किसी फर्नीचर शॉप पे जाओ जहाँ पे पैसा वगैरह बन रहा हो तो आपको आपको अच्छा खासा कट पीस का फोम सही रेट में मिल जाएगा और सुबह का कपड़ा भी एकदम सही रेट में मिल जाएगा। तो अब ये जो फ्लाई लाए थे अब इसकी हम पूरी कटिंग करेंगे सर्कुलर शेप में ऊपर और नीचे के लिए। तो ये हमारे संतोष भैया हैं, मास्टर संतोष जी, एक नंबर के कारपेंटर हैं हमारे पूरे गोरखपुर में। और इनकी जो सबसे ज़्यादा खासियत है वो ये कि भाई जितना वेस्ट बचता है ना ये उसका कैसे सही यूटिलाइजेशन करना है, आपके घर में वेस्ट नहीं बचेगा। मैं लगभग आप अमाउंट वाइज बताऊं तो कम से कम 2.5 से 3.25 लाख रुपए की प्लाई लाया हूँगा, और आप देख लो टुकड़े के नाम पे यहाँ पे क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है भाई, यही बचा है जो भी है, तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। और इससे भी हमारे स्टूल और बाकी चीज़ें बनाएंगे, फिलहाल अभी अपन इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी जो प्लाई थी दोनों को हाफ करके एक साथ जोड़ लिया, फिलहाल कील कर दी और एक ही साथ हम यहाँ पे दोनों की कटिंग कर देंगे टाइम बचाने के लिए। और ये बढ़िया सा हमारा सर्कल बन गया। फाइनली हमारी ये जो शीट है ये कट गई है, पर ये भी आप देखोगे थोड़ी छुट्टी राउंड नहीं है, इसको थोड़ा घस करके बराबर करेंगे। और अब हम इसमें ये 80 नंबर का पेपर मार रहे हैं, ये मशीन वाला पेपर है, मशीन तो है नहीं, हाथ से ही मार रहे हैं। तो आप ये 80 यानी 80 नंबर के पेपर से आप इसको और भी इसके सरफेस को स्मूथ बना सकते हो। अपन इसको सेट करेंगे अपने स्पायर को। ये हो गया हमारा बेस, नीचे की तरफ का हिस्सा, तो अब इसी को अपन इसको ड्रिल करेंगे। तो आप देखो एकदम बढ़िया शानदार तरीके से इसमें फिट हो गया, बस अब इसको इसमें फिक्स करना है। तो नीचे वाला तो अपन परमानेंटली फिक्स करेंगे, पूरी जगह बना रहे हैं जहाँ से टेबल है। अब यहाँ से हो सकता है आपको थोड़ी अलग क्वालिटी दिखे क्योंकि अब मैं ये GoPro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फोन की स्टोरेज भर गई भाई, 128 GB भर गई और मैं खाली नहीं कर पा रहा था, घर में इतना काम चल रहा बाकी सब चीज़ें। और ये एक स्क्रू से ही मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी टाइट हो गया है। तो अपन कितने लगाने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 स्क्रू लगने वाले हैं नीचे की तरफ। फाइनली फिर अब ये इतना टाइट हो गया कि मैं ये सब बॉटम है वो रेडी हो गया है, तो सब तो भाई इसका वो भी लगाएंगे अभी सपोर्टर ना, उसके साथ ही पन्नी के अंदर है। तो अब अगला काम जो हम जिसकी हाइट के लिए मैं लेकर गया आया हूँ बेस टैग बेसिकली इसको बताएंगे। तो ये है, ये अपन ऐसे यहाँ पे ट्राई बोल के फ्री दे रहे हैं, अब आठ देख लें, एक यहाँ और एक यहाँ। भाई और ये किसी तरह हमने यहाँ पे ये 2 इंस्टॉल कर लिया है और ये हमारा अभी तीसरा वाला चल रहा है, 2 इंस्टॉल होगा, जैसे ही तीसरा होएगा फिर अपन काम करेंगे इसकी सीट के ऊपर। ये है अपनी इसकी हाइट हो गई है, अभी इसमें सीट लगेगी तो मोटी मोटा लगभग अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब इतनी हाइट में अपन बैठ रहे हैं तो ठीक है, मतलब हाइट इसकी बहुत सही हो गई है। अब अपन काम करेंगे इसकी सीट के ऊपर, तो सीट के लिए अपन क्या करने वाले हैं, जो अपन फोम लाए हैं इस फोम को हम लोग इसके सर्कुलर शेप के हिसाब से करने पाएंगे, फोम को इसके ऊपर चिपकाएंगे, फिर अपन लाए हैं कपड़ा। फिर अपन ये अपना जो कपड़ा लाया वो थोड़ा देर में दिखाऊं, बहुत शानदार होगा इस कपड़े को उसके ऊपर लगाएंगे और फिर अपनी सीट हो जाएगी क्या रेडी। तो आप देखो अपन कैसे कर रहे हैं, ये अपना इसके पूरे साइज का बढ़िया। तो अपना अगला काम क्या है कि इसको आप इस अपनी शीट के ऊपर चिपकाएंगे और इसको हम चिपकाएंगे फेविकॉल के हीटेक से। ये अपना चिपक गया। फाइनली ये अपना जो सिटिंग इसका वो है वो भी रेडी हो गई, हमने
बढ़िया सा हो गया है। इसका पूरा स्क्रिप्ट बना लेता और एकदम शानदार है। आप बैठ करके अपना कुछ भी करो, अच्छा यूटिलाइजेशन हो गया इस टायर का, देखने से तो अच्छा ही था। अपन ने कितने 600-700 मैंने प्राइस आपको बता दिया, मैं जोड़ा नहीं है, मतलब मोटी मोटा 800-700 के अंदर आप तैयार हुआ। ये हमारी बुआ है, कैसा लगा बुआ आपको गिफ्ट करिएगा इसके बदले आपको बस अरे बुआ को नहीं चाहिए, बुआ मना कर दी तो ये हम ही रखेंगे। चलिए फिर यहाँ पे वीडियो को एंड कर, रोटी एक गिलास पानी तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नया हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपसे मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लोकसभा वाली अमर दे कहाँ दिखाओ ताकि